हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपको लेके आ चुका हूँ आज भानगढ़ का किला दिखाने के लिए। ये भानगढ़ किला है, ये एंट्रेंस है, अभी अंदर चलते हैं फिर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से भानगढ़ में एंट्री करने के लिए टिकट लेना पड़ता है, और टिकट लेके फिर हम चलते हैं अंदर, आपको फिर मैं अच्छे से दिखाता हूँ। मेरे सामने खड़े हैं रवि भाई। धूप बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है, और घुमाते हैं आपको किला। चलिए अंदर चलते हैं, हमने टिकट ले लिया, एंट्री करते हैं यहाँ से। और हमारे साथ आज एक गाइड हैं और उनके बारे में थोड़ी बताएंगे अभी। चलिए, हमारे साथ आपको जो दादी दिख रही हैं ये यहाँ की सारी कहानी बताएंगी। इन दादी का नाम है गुलाबो। आइए चलिए हम यहाँ की कहानी सुनते हैं गुलाबों की जुबानी। ये पूरा मार्केट है, इसको बोलते हैं झोरी मार्केट। तो इसे राजा भगवान दास, उसने एक किला बसाया था। एक किला बसाया था, सबसे ऊपर वो तांत्रिक जादूगर बिठाया था, जो ऊपर छतरी आप देख रहे हैं। हाँ, इसे किस लिए बिठाया था? जैसे कोई हमला हो जाएगा, चोरी वगैरह हो जाएगा, तो अपना शेर का ध्यान रखेगा। फिर बिठा दिया राजा साहब जी, बात आज पत्ती खेलने चले गए। वो रानी के पास आने जाने लगता, उसको रानी पसंद हो गई। उसने सोचा कि तो रानी बहुत सुंदर है, कैसे अपनी हो जाएगी? तो ऐसे तो अपनी होगी नहीं। जैसे इसके नौकर चाकर बहुत है, दासी दरोगा नौकर चाकर, तो ये मार्केट भेजेगी, तब इसका पीछा करना होगा, तो कुछ न कुछ लाएगी तो गड़बड़ी करनी होगी। तो जैसे वो उसका पीछे मकान है, कुआ बावड़ी है, उसको छोड़ के छतरी पे बैठ गए देखने के लिए। तो दासी इधर से चली, तो वो पहाड़ से चला, तो वैसे पहाड़ से आने में देर लग गई, जितने दासी लौट के चले गए। बोलो ये क्या लाई, रास्ता में मिल गए, कुछ भी नहीं किया, बताओ क्या लाई? उसने बता दिया। तो और सामान में तो गड़बड़ी की नहीं, हर सिर में लगाने के तेल में तंत्र मंत्र करके काला जादू कर दिया। तो जैसे दासी पहुंची रानी के पास, तो रानी ने सामान चेक करा, देखते ही बता पहचान गई भैया इसमें तो गड़बड़ी है, कौन मिला था? कोई नहीं, बताओ कौन मिला था? रानी साहब जादूगर मिला था। फिर? तो फिर वो रानी देख के पहचान गई भैया इसमें गड़बड़ी है। तो श्रीमा आप भी मन डालो, मैं भी नहीं डालूंगी, ऐसे करो मैं बताऊंगी, पत्थर उस पर डाल देना, जो भी तंत्र विद्या होगी तो पत्थर को जाएगी। तो रानी खड़ी रही, दासी ने तेल डाले, तो वो पत्थर उठ के उसकी साइड चले गए, तांत्रिक की साइड चले गए। तो रानी लगाती रानी जाती, दासी लगाती दासी जाती। शाम को राजा है, बोले ये पत्थर कहाँ चले गए? कि राजा साहब आज तंत्र विद्या चलेगी तो पत्थर चले गए। कि ठीक है, मैं उसको कुछ भी नहीं बोलूंगा, जैसे वो तो जादूगर कुछ न कुछ और भी सोचेगा, तो ठीक है थोड़ा देना, ऐसे करो आपके पास आता है जाता है, आराम से बैठाओ, प्रेम से बोलो। तो फिर थोड़ा देना बाद में उसके दिमाग में से निकल जाएगी। बोला राजा ने तो अपना कुछ भी नहीं किया, जब भी सोचना पड़े। तो उसने बिठाता रिया, बोलता रिया, बिठाता रिया, बोलता रिया। फिर एक दिन उन्होंने नौकर चाकर भेज के उसको नीचे बुलाया, बैठा कर प्यार से समझाया तांत्रिक को। हाँ, आप तो बहुत अच्छा जादूगर हो, फिर शहर नगरी का ध्यान रखता हो, तो ये काम मेरा भी करो। कि बोलो राजा साहब, कि भैया आपका वहाँ कुआ भी है, बावड़ी भी है, उसमें पानी लेके दिखाओ। कि ठीक राजा साहब, चलो ऊपर मेरी कमर को रस्सियां बांधो, अंदर करो, लेके ही दिखाऊंगा, तो वापिस ले लेना। अच्छा, बावड़ी मतलब है, बावड़ी अभी भी पीछे है। तो उसको अंदर करे, तब भी बोला राजा साहब ऊपर ले लेना। ठीक भैया, तो उसने नीचे डाला, तो तंत्र मंत्र करे, तो पानी ने एक साथ घेर लिया। तब चिल्लाने लगा कि राजा साहब ऊपर ले लो, ऊपर ले लो। राजा साहब जिन्हें से देख के नीचे रस्सियां छोड़ दिया। वो पानी में जाता है इंसान, तो पानी में हाथ का तो वापस फेंकता है। तब बोले कि राजा साहब मेरी जान जा रही है, अकेले नहीं जाएगी, पूरा भानगढ़ समाप्त हो जाएगा, 3 घंटे का समय देता हूँ, बाकी 5 मंदिर धर्म वाला बचेगा। ऐसे बोल के वापिस चलेगा। तो राजा साहब जी वहाँ से जल्दी है, नौकर चाकर को बोल दिया, जैसे ऊँट हाथी घोड़ा गधा भैया मैन मैन सामान जल्दी लगा लो। जल्दी लगा के जैसे आपने टिकट कटाया था, उसकी बाउंड्री से भीतर बाहर हो लिया, वो इंसान तो बच गए। 14,000 लोग थे, 7,000 लोग तो निकल चुके। जैसे निकल गया तो निकल गया, ऐसे आवाज लगाई थी भाई भगो, जिसकी इक्का नहीं हुई तो निकल लिया, नहीं की नहीं हुई तो मर लिया। जैसे बारिश आई, भूकंप आई, एक झटका से समाप्त हो गए। बाकी 5 मंदिर बोला था धर्म का, वो 5 मंदिर बचे हुए हैं। तो जी आप देख रहे हैं कि अठज की जगह है, जो की पूरी खंडर होगी। हाँ। तो भाई मंदिर बिल्कुल एकदम सही सलामत है, सही सलामत, किसी कंकरी भी नहीं है, टूटी 500 साल पुरानी बात है, गवर्नमेंट में बाद में हुई है, बाद में कोई पत्थर मार दिया, बकरी वाले गाय वाले कुछ भी, तो ऐसे थोड़ा टूटा हुआ है, वो शराब से नहीं टूटा। भानगढ़ जो उजड़ो है, वो उजड़ो है एक शराब का कारण, एक शराब। वो भानगढ़ एक गाँव के अंदर ही आवेगी, गोला का बास तो अलग है, ये भानगढ़ है, पर ये अलवर जिला में है, और ये पहाड़ी इलाका सरस कम पड़ता है।
तो इसमें जंगल में से जानवर पानी वानी पीने के लिए आते हैं, दन में नहीं आते हैं। दन में इंसान डोलते हैं तो कैसे आएगा, थोड़ा जैसे ठंड हो गई इंसान निकल गए तब पानी पीने आते हैं। तो दादी अठे लोग यान भी क्या करे कि भाई अठे भूत वगैरह रहे तो जैसे भूतिया नगरिया इसका नाम है, नाम है भूतिया नगर, भूतों का भानगढ़, भूतों का किला, भूतों की नगरी, अच्छा ऐसे बोलते हैं। नहीं तो जी हाँ, अबार भी कोई लोग यान के बातचीत वो डरे हुए है कि बाद में भी कुछ यान की जैसे अकेला इंसान होगा तो यहाँ ही नहीं है, अकेला इंसान खां भी जाएगा तो हल जाता है। ये भानगढ़ पहाड़ों के बीच में तो अकेला कोई रह नहीं सकता है, इसके में हिम्मत नहीं होती है। मतलब आज कल लोग क्या करे की भानगढ़ का माई भूत है, ये बात में कितनी सच्चाई था गाइस? साहब भूत तो हर जगह होते हैं, इंसान से बड़े भूत कोई नहीं होते हैं। जैसे मैं देखती तो बताती, मैंने जानवर देखा है, जैसे मैंने वगैरह देखा है, जैसे वो ऐसे होता है ना, इतना लंबा जानवर होता है, इतने में पूंछ होती है, तो उसके ऐसे होते हैं ना, वो जानवर देखे हैं मैंने, जानवर देखे हैं। हाँ, जानवर जरूर देखे हैं और भूत उतने देखे हैं। दादी ठीक, कई खास बात है भानगढ़ की? खास बात नहीं, जैसे यहाँ देवी देवता बहुत हैं, बहुत शक्तिशाली है, ऐसे तो कुछ हुआ भी नहीं, और भगवान की कृपा से कुछ को होना भी नहीं चाहिए। तो आप डाल रखी गवर्नमेंट में टिकट बन जाता है, आपका क्या ना हो जाती है। तो जैसे स्थान है बाबा का है, आपके भी है, हमारे भी है, उस पर टट्टी पेशाब करेगा तो करेगा, उदम टट्टी कर दिया, पेशाब कर दिया, शराब पी के सड़ गया, तो भैया जैसे आपका मकान में कोई भी जबरदस्ती करेगा तो आप तो मारेगा। तो जी दादी, ये फिल्म वगैरह बनाया है, फिल्म के अंदर दिखावा की बहुत ही ज्यादा हॉरर, तो वे सब चीजें कत्ती खाई सच है। तो उसने तो जिंदगी बना दी भानगढ़ की, नहीं कौन आता था देखने? अच्छा हाँ, पहले कोई बना तो ना ही, रोड बना दिया, साफ सफाई करवा दी, टिकट लगा दिया, जैसे पंडित जागा था पहले 500 साल 600 साल पुरानी पोती थी उनको देख के लगा दिया, लिखावट दे दिया। इतने दिन से पहले के लोग कौन जिंदा है, वो जा भी चीजें लोगों ने जी यहाँ पर देख रहे हैं चिपका रखे है जगह पर, तो ए पुरानी पोथे का मायने देख रहे बताया। हाँ जी टाइम मतलब जो टूरिस्ट नहीं आता बिटा मिठे का ही नजारा हो जाता था भानगढ़ की अनुभव। जैसे यहाँ इतनी सी पगडंडी थी, इसमें एक आदमी निकल पाए तो जोटा से दो नहीं निकल पाए। अच्छा। इतना कूड़ा कचरा उग गया था पेड़, उन्होंने गवर्नमेंट ने सफाई कराई है, ये रोड बनवाया है, जैसे ऐसे चला गोटा फूट गया, उंगली फूट गई, ऐसे पड़ा था, तो गवर्नमेंट में होने से 30 साल काम चला है इसका, ये रोड भी बाद में बनाया, साफ सफाई बाद में बनी है, ये टूट फूट सब सुधार के गवर्नमेंट ने दिखा दिया, तो जैसे लगाएगा तो टिकट भी लेगा। फिल्म के बाद में करण रतन, तो दोस्तों आप सभी ने यहाँ पे गुलाबों की कहानी सुन ली है, उन्होंने सारी कहानी बता दी है यहाँ की, आपको बहुत अच्छा लगा होगा शायद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं भी आपको भानगढ़ का ऊपर से नज़ारा दिखा रहा हूँ। ये एक माता का मंदिर था यहाँ पे, और ये ऊपर से नज़ारा है भानगढ़ का, सामने देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, और जो ऊपर चोटी पर दिख रहा है वही था वो सारा जहाँ वॉच टावर था, जिसकी वजह से सब कुछ ये हुआ है। और होप सो आपको बहुत अच्छी लगी होगी हमारी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।